प्रतापगढ़ में दबंगों का आतंक, छेड़छानी से आज एक छात्रा ने कुएं में कूद कर दी जान। बागराय थाने में पवासी गांव के नाबालिग छात्रा के कुएं में कूद कर जान दे दी। गांव के तीन दबंग सौदे पर घर में घुसकर छेड़छाड़ कर छात्रा की मां ने मार लगाया आरोप। ये लोग 6 माह से इस तरह की हरकतें करते रहे। बताया जा रहा है कि मृतक कक्षा 11 की छात्रा थी। सोमवार की रात में दबंगों ने घर में घुसकर छात्रा से अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ किया। इसके बाद छात्रा बहुत ही आहत हो गई। मुन्नू, गुड्डू और डब्बू सिंह पर मुकदमा दर्ज कर एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो की तलाश में तीन टीमें लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि सुबह डब्बू सिंह और गुड्डू ने घर पर चढ़कर परिवार को धमकाया भी। इन कुर्मे में माँ बाप के अलावा 4 बेटियां ही हैं। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ सीओ सदर मौके पर पहुंच गए। वहीं सीओ मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। प्रतापगढ़ से चंद्र मिश्रा की खास रिपोर्ट। आज शाम लगभग 4 बजे थाना प्रभारी बागराय को सूचना प्राप्त हुई कि पोसी गांव में एक युवती के द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर गए। मौके पर यह जानकारी हुई कि घटना लगभग दोपहर के 1 बजे की है। परिजनों से जब बात की गई, उनके द्वारा गांव के रहने वाले गुड्डू सिंह, उसका भाई डब्बू सिंह और उसके ढाबे पर काम करने वाला गुन्नू तिवारी, इन तीन लोगों के खिलाफ छेड़खानी और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की तहरीर दी गई। तहरीर प्राप्त करने के तत्काल बाद थाना बागराय पर धारा 306, 354, 506 IPC और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफी में कराया जाएगा और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा कराया जाएगा। अभियुक्त गुड्डू सिंह को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। दूसरा अभियुक्त, इसका भाई डब्बू सिंह और इसके ढाबे पर काम करने वाला गुन्नू तिवारी, इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें मेरे द्वारा गठित कर दी गई हैं। एडिशनल SP वेस्ट के नेतृत्व में 3 टीमें काम करेंगी। बहुत जल्दी इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित परिवार से मेरे द्वारा वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में पुलिस को इस संबंध में उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनका घर और जो अभियुक्त पक्ष है इनका घर और ढाबा आमने सामने है, इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और जो विवेचना है उसको बहुत ही त्वरित गति से और साइंटिफिक तरीके से आगे संपादित किया जाएगा।